इंदौर में सबसे बड़ा अखंड वेदांत संत सम्मेलन होने जा रहा है। 12 से 17 दिसंबर तक होने वाले संत सम्मेलन में देश भर के प्रसिद्ध संत शामिल होंगे। विशेष यह है कि ज्ञान की गंगा तो बहेगी, साथ ही बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने की क्लास भी लगेगी। एरोड्रम रोड पर शहर का सबसे पुराना अखंड धाम आश्रम ऐसा है, यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर का नृत्य आप कभी भी देख सकते हैं। अति प्राचीन इस आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ साधु संतों के रूप में ईश्वर वास करते हैं। इस आश्रम पर 12 से 17 दिसंबर तक 92वां अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी चेतना स्वरूपा जी महाराज के सानिध्य में होने वाले सम्मेलन में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए संतों का दर्शन कर सकेंगे। ये 52वां साल है अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन। हमारे परम श्रद्धे परमाराध्य अनंत श्री विभूषित संत सतगुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज की 52वीं पुण्य स्मृति है, तो प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में इस अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें देश के कोने कोने से संत महापुरुष जगतगुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर और बाकी लगभग और 300-400 संत भी पधारते हैं, बाहर से भक्त भी आते हैं, तो उनकी स्मृति में हमेशा ये। और हमारा मूल उद्देश्य जो रहता है समाज में एक रास्ता, समाज में जो कुरूतियाँ फैली हुई हैं उसको मिटाने का प्रयास, और वेदांत के द्वारा एकात्मिकता भाव, सब में एक आत्मभाव होना चाहिए। विशेष ये है कि सम्मेलन प्लास्टिक मुक्त होगा, डिस्पोजल का इस्तेमाल नहीं होगा, सफाई मित्रों का सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही बेटियों को मजबूत बनाने के लिए आत्मरक्षा के गुर की विशेष कराटे क्लास भी लगेगी। जैसा आप सभी को विदित है कि अविनाशी अखंड आश्रम बहुत ही प्राचीन एक स्थान है इंदौर का। अखंडानंद जी ने यहाँ पर बहुत तपस्या की है, बहुत जागृत और चैतन्य स्थान है। प्रतिवर्ष यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अखंड वेदांत सम्मेलन का आयोजन होता है। इस बार 52वां अखंड वेदांत सम्मेलन यहाँ पर परम पूजनीय महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में होने जा रहा है, जिसमें धर्म प्रवचन के साथ में यहाँ पर कई सामाजिक मुद्दों पर भी चिंतन होना है। तो हम धार्मिक अनुष्ठान में तो आहूति देने ही वाले हैं, लेकिन जो एक सामाजिक चर्चा यहाँ पर होने वाली है, सामाजिक कुरीतियों जो हमारे समाज में बढ़ रही है उसे रोकने के लिए कुछ बच्चियों को यहाँ पर हम लोग आत्म सुरक्षा के गुर सिखाने वाले हैं। यहाँ पर साइबर क्राइम से हम लोग कैसे बचे उस पर प्रशांत चौबे जी का एक उद्बोधन होने वाला है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगी। उसके साथ ही यहाँ पर संत महात्मा जो एक नदी के प्रवाह के समान अपनी यात्रा प्रतिवर्ष एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूर्ण करते और यहाँ पर आते हैं हर वर्ष, तो उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विशेष संत महात्मा के लिए भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई विशेषज्ञ आने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से कई बड़े संत महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं। महामंडल एक शंकराचार्य जी जो भानपुरा पीठ के हैं वो भी पधार रहे हैं।